सो एवरीवन, 77 इयर्स हो चुके हैं हमारी आज़ादी को। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब मस्त होंगे, आपका भाई भी बढ़िया है। तो याद होगा कल के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था गुरनूर का बर्थडे 14 अगस्त थी, तो आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस भी है। तो आप लोगों को सबको बाहर का व्यू भी दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं मीट करा दूँ पहले इस पल्लू से, और पल्लू के बाद हमारे पास एक सरप्राइज भी है। ये छोड़ के जाने वाली लड़की फिर से आ गई है दुकान में, इसका वेलकम हो गया दोबारा, पर पता नहीं कब तक, उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक बार छोड़ के जाने वाला इंसान बार बार जा सकता है, भरोसा उड़ जाता है, तो उसकी उम्मीद ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। कमेंट्स में बताना मैंने सही बात बोली या नहीं। ये तो चलो हमने तरस खा लिया और रख दिया दोबारा, मूड कुछ था नहीं ऐसा ज़्यादा खास, पर फिर भी रख लिया। तो यहाँ पर देखो उदास बैठी हुई है, टिक्का लगा के आइए, राधे राधे वाला लड्डू गोपाल की रोज़ सेवा करती है, करती है वैसे, कपड़े चेंज करवाती है, खाना खिलाती है, नहलाती है, सारा काम करती है, जो तो जैसे छोटे बच्चे की सेवा करते हैं वैसे उनकी पूरी सेवा करती है। चल भाई फल भी तेरे को मिलेगा, फिर प्राप्त भी तुझे होगा। जय श्री राधे राधे राधे। लाड़ा भी अच्छा है, लाड़ा भी अच्छा थे जब मिली है, बढ़िया। मेरा भी शेरा लाड़े नाम भी कृष्ण ही है, कृष्ण ही है। चलो सबके लाड़े का नाम कृष्ण हो। 16,000 कृष्ण भगवान की गोपियाँ थी। सो गाइस अभी बाहर जाके बाकी आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगा थोड़ी देर में, अपना तिरंगा भी दिखाएंगे बाहर जाके, चौगान में भी चाय चूहे पीने बोल रही है तो चाय अभी मंगाएंगे, चाय आएगी थोड़ी देर में। बाकी आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा गुरनूर के बर्थडे वाली जो मेरी वीडियो देखी होगी, ब्लॉग देखा होगा, आई होप आपको काफ़ी इन्जॉयमेंट रहा होगा उसमें। और आपने मेरे मिंजर्स के जितने भी ब्लॉग्स थे वो उसमें भी काफ़ी मज़ा लिया होगा। जिन जिन को मेरा ब्लॉग्स अच्छा लगता है वो मेरे साथ ब्लॉग्स में बने रहिए और देखते रहिए मेरी वीडियोज़, काफ़ी अच्छी आगे आगे परफॉर्म करने में ठीक रहूँगा और काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, जितना हो सकेगा उतना बनाऊँगा बेस्ट से बेस्ट। तो मिंजरें ख़त्म होने के बाद तो वैसे काफ़ी ज़्यादा शांति हो चुकी है मार्केट में, मैं बाहर का व्यू आपको दिखा दूँ, पिछले दो ब्लॉग्स में भी मैंने दिखाया था काफ़ी शांति हो चुकी थी, तो अभी मैं दिखा दूँ आपको चुगान का व्यू। चलो बाहर जाके दिखाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं बाहर का व्यू आपको दिखाने लगा हूँ। रैली निकल रही है, 15 अगस्त है, ये देखो गाइज, दो दिन पहले मैंने आपको दो दिन पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था, यहाँ पे अभी स्टॉक वगैरह सब कुछ था, जो दुकानें वगैरह पंडाल वगैरह सब कुछ थे, अब पूरी तरह से चौगान जो है खाली हो चुका है। तो और यहाँ से जाइंट व्हील भी एंड हो गया है, जाइंट व्हील भी अभी तक इन्होंने निकाला नहीं है, 5 दिन हो गए, पहले एक ही दिन में सारा तोड़ दिया था, फिर 5 दिन हो गए, अभी 5 दिन से इन्होंने बाहर निकाला नहीं है जाइंट व्हील को, बाकी सारे झूले गायब है। और अभी मैं आपको आगे से दिखा दूं, जनाब आ गया चाय लेके, जनाब चाय लेके आ गया। तो बाहर का व्यू मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं, वो देखिए हमारा फ्लैग 15 अगस्त का, तो मैं अभी नज़दीक जाके भी आपको दिखाने वाला हूं। तो पहले हम चाय वाय पी लेंगे, ये हमारे कॉम्प्लेक्स का व्यू, तो भाई यहाँ पे चाय लेने वाले आ जाओ, चाय बेचने के लिए स्टार्टिंग कर दे तू, अब चाय बेचना स्टार्ट कर दे, हैं पल्लू नया बिजनेस खोल। सो गाइस अभी थोड़ी देर में मैं आपको चौगान में जाके भी व्यू दिखाऊंगा अपने तिरंगे का, तो आज तिरंगे के साथ फ़ोटो खिंचाएंगे हम, सेल्फीज़ लेंगे, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा व्यू पे। देखो आज हम आपका भाई लगाने जा रहे हैं तिरंगा, तो अपनी शॉप पे पूरा लगाएंगे आपके सामने, व्यू दिखाते हैं, ठीक है, ये लगेगा पहला, ठीक है, एक लगाएंगे हम बाहर, ठीक है, एक लगाएंगे काउंटर पे, तिरंगे के साथ अपनी शॉप में पूरी बरकत रहेगी, तो दिखाएंगे तिरंगा इस साइड से शूट करा तू, उस साइड से
चल छोड़ दे। सो भाइयों ये लगा दिया हमने तिरंगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक हम बाहर पे लगाने वाले हैं, बाल वाला भी दिखाएंगे आपको। चल आ जा मधु। सो एवरीवन, 77 इयर्स हो चुके हैं हमारी आज़ादी को। आपके सामने भारत माता का तिरंगा इधर लगा, इधर से दिखा पूरा व्यू, ये देखा। जय हिंद जय भारत। सो भैया अपनी दोनों साइड शॉप में तिरंगा लग चुका है, ये आप देख सकते हो। ओ गाइस चलो अब हम आपको दिखाएंगे एमी की दुकान का नज़ारा, और इसके बाद हम जाएंगे चौगान। चौगान में देखते हैं, फ्लैग दिखाएंगे आपको पूरा। तो फ्लैग दिखाएगा, आपने वीडियो पे बने रहना, पूरी वीडियो देखनी है अपने भाई की, तो देखते रहे। सामने देखिए मोबाइल वाली शॉप में भी तिरंगा लगा हुआ है। तो अभी जा रहे हैं हम एमी की शॉप। सो गाइस जैसा कि आपको मैंने बताया था, अभी यहाँ पे व्यू देखिए, अभी तक झूले वाले गए नहीं हैं, जाने की पूरी तैयारी से। वो देखिए अपना फ्लैग, ये रहा भाइयों मेन मार्केट का माहौल 15 अगस्त का दिन। हेलो एमी। हेलो एमी, क्या कर रहा है फिर? ट्रांजेक्शन चेक कर रहा है। ट्रांजेक्शन चेक कर रहा है, फिर कैसा काम शाम? आपके सामने बहुत कोई बंदा नहीं दिखाई दे रहा, बंदे सारे बिजी होंगे अब मिंजर में, अपना सारा माल खाली करके, नोट शोट खाली करके। क्यों? हम खाली हो रही, खाली हो गए काम। कोई नहीं, भर जाएंगे अगले महीने। बिजनेसमैन की जेबें इस टाइम खाली हो जाती है। नहीं, बिजनेसमैन की जेबें पहुंचे तो सीधा चांद तक, नहीं तो चंबा के चौगान तक। अभी फिलहाल चंबा के चौगान तक, अगले महीने चलेगी, अगले महीने चांद तक पहुँच जाएंगे। बिजनेसमैन वाला दिन में साइकिल में आ जाएगा, दिन में रेंज रोवर में आ जाएगा। एमी की शॉप से बाहर निकल के चलते हैं अपनी शॉप से, आगे जाएंगे चौगान, नीचे मार्केट देख लें। सो भाइयों अब आपको चलो चौगान में जाके चौगान की सैर करा दूँ, चौगान का व्यू दिखा दूँ, चौगान से झंडे का फ्लैग का व्यू। सो जा रहा हूँ चौगान की तरफ, वहाँ से फ्लैग दिखाने वाला हूँ, और अभी यहाँ बाहर का माहौल दिखा दूँ आपको मार्केट का। तो ये रहा मार्केट का माहौल, चहल पहल बहुत कम है 15 अगस्त। अभी आपको पूरा व्यू दिखाऊँगा चौगान में। ये अपना चंबा की मेन मार्केट, जो कि मिंजरों के बाद पूरी सुन हो जाती है। तो भाई ये आ गया अपना 2 नंबर चौगान, जहाँ पे अपनी शॉप लगी थी, ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया है। वो देखिए लहराता हुआ अपना तिरंगा, तो अपना तिरंगा लहराता हुआ पूरा। स्वतंत्रता दिवस है तो आपके सामने पूरा व्यू दिखा रहा हूँ झंडे का। अभी थोड़ी देर में वापस शॉप जाऊँगा, पहले यहाँ का व्यू दिखा दो।
तो गाइस मैं आ चुका हूँ मार्केट पे, चौगान पे, चौगान नंबर एक पे। पीछे आप व्यू देख सकते हो तिरंगे का, जो कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। सो ये है एवरीवन फ्लैग मेन, जहाँ पे परेड हुई थी चौगान में, वो वाला व्यू दिखा दूँ मैं आपको। वो वहाँ पे सामने आप देख सकते हो, ये थे रोड के बिल्कुल पास, वहाँ पे पूरा फ्लैग लगा हुआ है। परेड यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे 12:30 के करीब, उस वक्त शायद मैं शॉप में था, तो शॉप मैंने लेट ही पहुँचा। आजकल काम कम होने की वजह से शॉप लेट पहुँचता हूँ। तो ये रहा हमारा पूरा चौगान का व्यू। अभी 3-4 दिन पहले ही काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था, ऑलमोस्ट ग्राउंड जो है वो खाली हो चुका है, क्लियर हो गया है। तो एक बार झंडे की तरफ दिखा के जय हिंद जय भारत। आई होप आप सब भाईचारे, जितने इंडियंस अपने भाईचारे हैं, सभी के सभी जय हिंद जय भारत एक बार कमेंट्स में ज़रूर लिखें। परेड के बाद भी ये स्पेस जो है यहाँ पे खाली कर दिया गया था, और आप देख सकते हो पूरा चौगान अब खाली है। तो बाकी आपको मार्केट का पूरा व्यू दिखा ही चुका हूँ। अब खाने वाने का टाइम हो चुका है, दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। तो चलो वापसी करता हूँ, करूँगा शॉप के लिए। आपको सब कुछ व्यू दिखा दिया, आज 15 अगस्त का। तो 15 अगस्त का मेरा मोटिव था कि मैंने सुबह सोचा था कि परेड वगैरह दिखाऊंगा सब कुछ, पर शॉप में बिज़ी था थोड़ा, तो दिखा नहीं पाया। व्यू बाकी आपको दिखाई हुई है मैंने, कहाँ पे फ्लैग लगता है, जहाँ पे मैंने पीछे आपको बताया, और वो मेन बड़ा फ्लैग पीछे साइड पे जो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब दोपहर का काफ़ी टाइम हो चुका है, 3:30 बज गए हैं। अब खाना वाना खाते हैं, उसके बाद आज के ब्लॉग को यहीं पे कर देंगे पूरा। देखते हैं अभी शाम तक क्या बनता है, थोड़ा बहुत और ऐड करने को होगा तो मैं करूँगा ब्लॉग में ऐड। तो जैसा कि अभी मैं बाहर का व्यू दिखा दूँ, फ्लैग्स चारों तरफ लगे हैं, लगने भी चाहिए, दिखाता हूँ आपको व्यू। ये देखो समोसे वगैरह वाली लेडीज के पास एक फ्लैग लगा, और यहाँ नींबू वाली जगह पे भी नींबू पानी है, और यहाँ हरियाणा हर जगह जय हिंद जय भारत। आज तो देश भर में जगह जगह फ्लैग लगने चाहिए, अपने अपने कॉम्प्लेक्स पे भी लगाया था जैसे आपको दिखाया मैंने। तो ये रहा यहाँ का चंबा का व्यू। चलिए भाइयों, मिलते हैं अपनी दुकान में।